हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर श्री ओम स्क्रीन प्रिंटिंग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है ब्लॉक्स के बारे में। ये वुडन ब्लॉक्स को कैसे यूज करना है हम तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस यही टॉपिक पे हैं कि मैम, अगर वुडन ब्लॉक्स को तेल में क्यों रखना है और किस तरह का तेल यूज़ करना है, कितना टाइम रखना है, तो ये सारी बातों को आज मैं क्लियर करने जा रही हूँ। देखिए, ये वुडन ब्लॉक्स है, ये तो हैंडमेड ब्लॉक्स है। कोई भी वुडन ब्लॉक्स हो, इसको तेल में रखना चाहिए। क्यों इसे तेल में रखना चाहिए, ये बात अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये वुडन ब्लॉक्स है, तो वुड का नेचर क्या होता है, पानी टच होने से वुडन ब्लॉक्स खराब हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ये जो वुड है ये फूल जाता है, ये तो सब जानते हैं। तो हम जब भी प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग के बाद हमको ब्लॉक्स को पानी से धोना पड़ता है। वो कैसे धोना है वो भी मैं एक वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। तो पानी से ज़रूर धोना है, तो ब्लॉक खराब होने की संभावना है ना। इसीलिए हम जब भी वुडन ब्लॉक्स लेते हैं, खरीदते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो उसे तेल में डालना है। तेल में डालने से क्या होगा, तेल को ये ब्लॉक्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब भी हम ब्लॉक्स को पानी से धोएंगे तो ब्लॉक्स खराब होने की चांस नहीं होता। तो लंबे काल हम ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए अपने बिजनेस तौर पर ब्लॉक्स खरीदते हैं, तो लंबे काल सालों तक हमें ब्लॉक्स यूज़ करना चाहिए ना, तब ब्लॉक्स खराब ना हो इसलिए हमें तेल में डालना है। तो अभी देखते हैं हम किस तेल में डालना है, कैसे डालना है। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल चलेगा, अगर सरसों का तेल हो तो और भी अच्छा है। मैं एक ताली चाहिए, आपको जितने ब्लॉक्स को ताली में रखना है उतना बड़ा वाला ले लीजिए, स्टेनलेस स्टील हो या प्लास्टिक कोई भी चलेगा। तो इस तरह एक ताली लीजिए। तो अब हमें ये जो कुकिंग ऑयल है इसमें डालना है। आपके पास जितने ब्लॉक्स है उसके अनुसार आप थोड़ा डाल लीजिए। अगर ज़्यादा ब्लॉक्स हो एक साथ आप ताली में रखना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लीजिए। अब इसमें ये ब्लॉक्स आप ये डिज़ाइन की साइड पर ऐसे रख दीजिए। देखिए, कम से कम आपको अब ये ब्लॉक, देखिए आपको यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं मार्किंग करके रखी थी, इतना तक आपको ब्लॉक को डूबना चाहिए तेल के अंदर, कम से कम 10% ऑफ ब्लॉक यहाँ तक। तो ऐसे आपको ताली में तेल डाल के उसमें ब्लॉक्स ऐसे रखना चाहिए। एटलीस्ट आपको 24 आवर्स ब्लॉक को ऐसे रखना है, क्योंकि ये ब्लॉक्स जो है तेल को अब्जॉर्ब कर लेंगे, पूरा तेल को अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर पूरा तेल नहीं भी अब्जॉर्ब कर लिया आपको 24 आवर्स के बाद ना, ये सारा ब्लॉक जो है, ये अभी तो लाइट दिख रहे हैं ना, ये सारा ब्लॉक्स तेल को अब्जॉर्ब करके बहुत डार्क हो जाएंगे। आपको देखने में ये समझ में आएगा, पहले थोड़ा थोड़ा करके डॉट्स जैसा ब्लॉक्स में तेल आ जाएगा, नीचे से ब्लॉक्स तेल ले लेंगे ऊपर तक, यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डॉट जैसा आपको तेल का निशानी देखने में आ जाएगा। बाद में 24 आवर्स के बाद ये पूरा ब्लॉक जो है ये ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर 24 आवर्स में भी पूरा नहीं किया और भी जगह बच गया तो और एक दिन फिर से ऐसे ही रहने दीजिए। जितना आप तेल में टाइम लेंगे उतना अच्छा है, ये ब्लॉक जो है पूरा करके तेल अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अब ये हम 24 घंटे के बाद देखेंगे कितना ऑयल ये ले लिया है। अभी देखिए, ब्लॉक्स थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका अभी तो 10 घंटे से ज़्यादा टाइम बीत गया है।
यहाँ जो काली जगह आपको दिख रहा है यहाँ भी ऑयल पूरा करके आ जाना है और 10 घंटे के बाद ये पूरा अब्जॉर्व कर लेंगे, ब्लॉक्स पूरी तरह इस कलर में आ जाएंगे, ऑयल की कलर में आ जाएंगे, तब आपको यूज़ करना है। तब क्या करना है मैं अभी दिखाऊंगी। अभी देखिए ये ब्लॉक्स पूरी तरह ऑयल को अब्जॉर्व कर चुके हैं, 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम ही बीत गया है, ये ऑयल भी ताली में कम हो गया है। देखिए जब हमने ताली में ऑयल डाला था उतना ऑयल अभी नहीं है, कम हो गया है, क्योंकि ये ब्लॉक्स ऑयल को ले लिया है इसलिए बहुत कम ऑयल बचा है। इस ऑयल को फिर से आप कुकिंग में यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है मैं दिखाऊंगी। इस तरह 4-5 पेपर्स ले लीजिए, ये ब्लॉक्स को उठाकर इसमें रख दीजिए, क्योंकि जो एक्सेस ऑयल होगा ब्लॉक्स में वो पेपर अब्जॉर्व कर लेगा। ऐसे कम से कम 5-6 घंटा ऐसे रहने दीजिए पेपर के ऊपर। सीधा यूज़ करेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि ये नीचे की ओर थोड़ा तो ऑयल होता है, इसलिए हमें पेपर में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक डाउट पूछते हैं कि ये ब्लॉक्स को हर बार हर यूज़ के बाद फिर से ऑयल में रखना है? नहीं, हर यूज़ के बाद आपको फिर से ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो ब्लॉक्स आपको यूज़ करना था, पहले आपको नया नया खरीदते हैं, वही ब्लॉक्स को इस प्रोसेस करने की ज़रूरत है। बार बार आपको इस तरह तेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत कम तेल आप मत डालिएगा, थोड़ा ज़्यादा, जब अभी हमने आपको दिखाया था ना कितना कम से कम तेल होना चाहिए, उतना तो डाल लीजिएगा। बहुत कम डालेंगे तो वो पूरी तरह नहीं लेंगे, फिर से आपको डालना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही आप थोड़ा ज़्यादा, उसको कितना ज़रूरी होगा आपको समझ में आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही डालकर ऐसा रख लीजिएगा। अब इसको 6 घंटे होने के बाद देखेंगे। अब देखिए एक्सेस ऑयल जो है ये पेपर ले लिया है, पेपर के ऊपर आ गया है। अब ये ब्लॉक्स हमारे लिए तैयार हो गए हैं प्रिंट करने के लिए। एक ड्राई कपड़ा लीजिए, पानी वाला कपड़ा नहीं, एक बार ऐसा पोंछ लीजिए, जो भी एक्सेस है वो भी क्लीन हो जाएगा, फिर आप ये ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हर बार आपको तेल में डालने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार जो फर्स्ट टाइम आप ब्लॉक्स खरीदते हैं तभी इस तरह इस प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा। तो मैं समझती हूँ ये बहुत यूज़फुल वीडियो बना है आपके लिए, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की कई यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।